फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादी और पार्टी में बनने वाले दो बेहतरीन पुलाव, जो बहुत ही सभी को बहुत पसंद भी आते हैं। तो घर में हम बनाएंगे, वो भी कुकर में। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरी मेहनत और मेरे रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक कुकर चढ़ा दिया है, तो यहाँ मैं घी डालूँगी। और ये जो दोनों रेसिपीज़ मैं बनाऊँगी वो घी में ही बनाऊँगी। तो अभी जो हम पहली रेसिपी बना रहे हैं वो है मटर पुलाव। और कुकर में मैं आपको मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी, इसे क्या है, आपके जो राइस हैं वो एकदम खिले खिले से बनेंगे। तो इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा घी जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पहले डालूंगी ये अजवाइन। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और जीरा, इसके साथ साथ दालचीनी, जावित्री, स्टार एनाइस, और एक मैंने ली है छोटी इलायची, और दो लौंग, और चार से पांच मैंने ली है ये काली मिर्च। इसके साथ साथ मैंने ये लिया है और बड़ी इलायची, और साथ में हम लेंगे तेज़पत्ता। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हमारे मटर, क्योंकि हमने जो अभी गरम मसाले डाले हैं, खड़े मसाले, वो सारे अच्छे से गर्म हो गए हैं। यहाँ मैं इसे बिना जिंजर गार्लिक पेस्ट के बना रही हूँ, पर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हम मटर को पकाएंगे। तो यहाँ मैंने जितने चावल लिए हैं उतने ही मैं मटर ले रही हूँ, यानी एक कप मैंने अगर चावल लिया है तो एक ही कप मैं मटर लूँगी। और मटर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो इसे हम एक मिनट के लिए बढ़िया सा भून लेंगे। तो यहाँ मैंने मटर को अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। ये जो हमने घी डाला था, ये घी दिख रहा है आपको। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैं डालूंगी नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। इसके अलावा हम इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ मैंने एक कटोरी चावल जो है वो लिए थे, और उसे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे। तो अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये 5 से 7 मिनट में हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी हो जाती है, और आप इसकी खुशबू भी देख सकेंगे जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे घर में, और खाने का तो इतना स्वाद आएगा कि मैं क्या बताऊँ। आप जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो इसे मैं 1 सेकंड के लिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और हमने जितने चावल लिए हैं उसी के रेशियो से मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो मैंने इस कटोरी के नाप से चावल लिए थे, और इसी कटोरी से मैं पानी भी ले रही हूँ। तो जब कुकर में आप चावल बनाएं तो जितने आपने चावल लिए हैं उतना ही आप पानी लीजिए, ना कम ना ज़्यादा। तो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले से बिना चिपके हुए बनेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे हल्का सा बॉयल आने दूंगी और फिर लिड लगा दूंगी कुकर की। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये और देसी घी। इससे क्या है, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ, और एक सीटी आने पर मैं ये बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें एक सीटी आ गई थी और मैंने गैस को कर दिया है बंद। और अभी हम इसकी स्टीम निकलने के बाद, इसे ठंडा होने के बाद ही इसका लिड जो है कुकर का खोलेंगे।
तो फ्रेंड्स ये कुकर जो है ठंडा हो गया है, स्टीम भी निकल गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, तो देखिए कितने खिले खिले से चावल दिख रहे हैं। ये देखिए कोई भी दाना आपस में चिपका हुआ नहीं है। और इस तरह के चावल जब आप कुकर में बनाएं तो आप बस पानी और चावल का रेशियो याद रखें कि जितना चावल आपने लिया है उतना ही आपको पानी भी लेना है। तो अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे मटर पुलाव। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, आप इसे लंच या डिनर में सर्व कर सकते हैं। साथ में इसमें दही या चटनी किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो अगली जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो है वेज पुलाव। तो चलिए अब उसकी तैयारी करते हैं हम। पहले ही गैस पर रख दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम देसी घी डालेंगे। तो इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। पैन मेरा गरम है और इसे टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ घी हमारा गरम हो गया है और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये कुछ बादाम, और इसे मैं कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लूंगी। तो बादाम हमारे हल्के से रोस्ट हो गए हैं और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी काजू और इसे भी हम रोस्ट करेंगे। तो बादाम को थोड़ा समय लगता है रोस्ट होने में, तो इसीलिए हमने उसे पहले डाला था। तो इस तरह से हम इन दोनों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काजू और बादाम हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़े से किशमिश, और ये भी बहुत जल्दी से ही भुन जाते हैं। तो इन तीनों को हमने अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए किशमिश भी फूल गई है अच्छे से। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी और सेम पैन में ही मैं थोड़ा सा देसी घी और ऐड करूंगी और इसे भी हम मेल्ट कर लेंगे। पैन हमारा गरम है और अब हम इसमें डालेंगे पनीर के ये क्यूब, और इन्हें दोनों तरफ से हम पका लेंगे। तो ये मैं 100 ग्राम के आसपास पनीर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसे दोनों तरफ से मैं पकाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स पनीर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों तरफ से, और अब इसे मैं हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आज जो पुलाव बनाने जा रही हूँ वो मैं कुकर में बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के देसी घी। तो ये पूरा जो पुलाव है हम देसी घी में बना रहे हैं। तो ये जो जमा हुआ घी है ये आप ये सोच लीजिए 2 टेबल स्पून के आसपास होगा जब इसे हम मेल्ट करेंगे। तो इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स घी हमारा जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ सबसे पहले जो डालूंगी वो थोड़ा सा अजवाइन है, बहुत थोड़ा अजवाइन मैं डाल रही हूँ, ये पाचन के लिए ठीक रहता है। और यहाँ पर मेरे पास है कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने जावित्री, दालचीनी, 2 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची और ये स्टार एनाइस, जीरा और काली मिर्च। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे हम हल्का सा चला लेंगे और भून लेंगे इनको। ये मसाले भूनते समय गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूं 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें मैंने हरी मिर्च भी जो है पीस दी है, तो ये भी डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे।
हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक ये अपना कच्चापन ना खत्म कर दे। तो फ्रेंड्स, अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन गया है और अब मैं यहाँ डालूंगी एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे कि मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो गैस को हम अब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में कर देंगे और प्याज को भी हम भून लेंगे। हमने प्याज को पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। तो फ्रेंड्स, ये प्याज जो है हमारे अच्छे से भुन गए हैं, देखिए। और अब मैं इसमें कुछ दूसरी सब्जियां डालूंगी। तो यहाँ मेरे पास है एक कटोरी मटर, तो मैं इसे डाल दूंगी इसमें। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गाजर ली है जिसे मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है, वो भी इसमें डाल दूंगी। और साथ ही साथ मैं ये ले रही हूँ फूल गोभी, बहुत बारीक काट लिया है मैंने इसे भी, तो ये भी मैं डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास अगर बीन्स हैं तो आप बीन्स भी डाल सकते हो, या अपनी पसंद की कोई सब्जी अगर आपने डालनी हो तो वह डाल सकते हैं। तो अभी हमने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ इसे हम अभी 1 से 2 मिनट तक सब्जियों को भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जियां हमारी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, हमें इन्हें पूरी तरह गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा भूनना था। तो मैंने 2 मिनट इनको भून लिया है और अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च। ये सारे मसाले हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा। धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी रेगुलर वाला जो मिर्च होती है वो, और इसे हम इसमें भून लेंगे मसालों को भी। और अब मैं यहाँ पे डालूंगी ये चावल। ये चावल मैंने 20 मिनट पहले जो है भिगो के रख दिए थे। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये मैं मेज़रमेंट के हिसाब से 1 गिलास चावल ले रही हूँ। आप कोई भी मेज़रमेंट रख सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेज़रमेंट के हिसाब से जब आप ये बनाते हैं चावल तो ये बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं आपस में। और इसे भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ चावलों को। बहुत हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है क्योंकि चावल हमने भिगो रखे थे तो ये टूट सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट ही भूनना है। तो फ्रेंड्स, हमने चावल को 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहां मैंने इस गिलास के मेजर से चावल लिए थे तो 1 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी। तो रेशियो ये रहेगा कि अगर आप कुकर में चावल बना रहे हैं तो जितना आपने चावल लिया है उतना ही आप पानी भी लेंगे। और थोड़ा सा कुकर भी बड़ा लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ 1 गिलास बना रही हूँ, पर अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बड़े बर्तन में खिले खिले से चावल बनते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये केसर वाला दूध जो कि मैंने गुनगुने दूध में केसर को भिगो के रखा था। इसके साथ साथ हम इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स और पनीर को फ्राई करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये धनिया।
अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस। इससे क्या होगा, चावल हमारे खिले खिले से बनेंगे। और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी थोड़ा सा हल्के हाथों से, और ये इस तरह से बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत अच्छा भी बनता है। तो अब मैं इसे बंद कर दूंगी और एक सीटी आने के बाद मैं गैस को तुरंत बंद कर दूंगी। सिर्फ हमने एक ही सीटी लगानी है कुकर की। तो फ्रेंड्स, कुकर में एक सीटी आ गई थी और मैंने गैस को कर दिया है बंद। अभी से हम पूरी तरह से स्टीम निकलने तक ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी स्टीम पूरी तरह से निकल गई है और अब हम इसे खोलेंगे और इसमें से जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशबू आई है एकदम से। तो अब मैं इसे आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा शादी पार्टी में बनने वाला बेहतरीन पुलाव, वो भी कुकर में। आप देख सकते हैं इसका दाना दाना खिला हुआ है और आपको मेजरमेंट भी पता है। तो आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ लंच में या डिनर में। तो अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।